हाय फ्रेंड्स, सरकारी जॉब स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने मैंने पहले वीडियो में देखा था, रेलवे से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ और मैं सेकंड वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी के लिए दे रहा हूँ। तो विषय ध्यान रखें दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। याद रहे दोस्तों, इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय। कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय में। भारत की सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आप देखिए, भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है? मतलब रेलवे सुविधा अभी भी भारत में दो ऐसे राज्य है जहाँ पर रेलवे सुविधा नहीं है, जो है मेघालय और सिक्किम। दो ऐसे राज्य है जहाँ पर अभी तक रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? बल्लभ पंडम, जो कि केरल में स्थित है। बल्लभ पंडम, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारत में चार प्रकार के गेज प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों गेज क्या होता है? जो हम देखते हैं रेलवे में पटरी बनी होती है जिससे हम लोग रेल करते हैं, जिस पर ट्रेन चलती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उन्हें हम लोग कहते हैं गेज। मतलब जो ट्रेन बनी जाती है, जो पटरी बिछाई जाती है, उससे हम लोग रेल करते हैं और इस दोनों रेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग गेज करते हैं। जैसे ये चार भागों में बांटा गया था, पहला ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो थी वो 1676 मिलीमीटर, अगर इसे हम फिट कन्वर्ट करेंगे तो 5 फीट 6 इंच आएगा। दूसरा हमारा मीटर गेज है जिसकी चौड़ाई 1000 मिलीमीटर होता है, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इंच में कन्वर्ट करेंगे, 3.28 करके आता है। तीसरा हमारा नैरो गेज जिसकी चौड़ाई 762 मिलीमीटर है, जिसको हम फुट में कन्वर्ट करेंगे 2 फुट 6 इंच आती है। चौथा हमारा स्टैंडर्ड गेज है जिसकी चौड़ाई 1435 मिलीमीटर होता है, ये 4 फुट 8.5 की होती है। ये रेलवे एसएससी एजेई ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी रिलेटेड है हॉस्पिटल से, ये 1991 में बना था। दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? पहले मतलब है लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है वो है क्या चीज? ये संसार की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। सरकार संसार की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसमें मरीजों को देखने की सुविधाएं, सारी सुविधाएं हॉस्पिटल से सारी सुविधा अवेलेबल होती है। दोस्तों ये हमारा रेलवे के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही आसान तरीके से रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप ऐसे सवालों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एएलपी की परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, जिससे कि आप आसान तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। जो भी हमारे चैनल पे नए लोग हों वो हमारे चैनल सरकारी जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें।